Hello friends, welcome to the channel Update IQ, Way to Learning. So students, today we are going to discuss an important topic which is about Nobel Prize. और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये हर साल डिक्लेयर किया जाता है और हर साल चेंज होता है. सो ये टॉपिक करेंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. और एक दो महीनों के बाद रेलवे, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम होने वाला है. सो 2020 में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, हम उन सभी अवार्डीज को देखेंगे और उसके साथ नोबेल प्राइज़ के हिस्ट्री के ऊपर जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी बिगिन, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन. सो नोबेल प्राइज़ के हिस्ट्री के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम उन सभी पॉइंट्स को एक बार देख लेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है, द नोबेल प्राइज़ इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ इन द वर्ल्ड. दिस प्राइज़ इज गिवेन इन द सिक्स फील्ड्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस. दिज प्राइजेस वेर कमेंस्ड इन 1901. सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड में जितना भी प्राइज दिया जाता है, उन सभी में से नोबेल प्राइज को मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड के कैटेगरी में शामिल किया जाता है. और ये प्राइज छः क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस. और ये कब शुरू किया गया था? 1901 में. नेक्स्ट पॉइंट है, नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न इन स्टॉकहोम, स्वीडन ऑन October 21, 1833. ही इज नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट. अल्फ्रेड नोबेल डाइड ऑन 10 December 1896 एट द एज ऑफ 63 ईयर्स. सो नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है और ये एक स्वेडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के मेमोरी में हर साल ये दिया जाता है. अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के स्टॉकहोम से थे और इनको डायनामाइट का इन्वेंटर भी कहा जाता है. नेक्स्ट है, द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस सिलेक्ट्स द नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस. जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो भी नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट सिलेक्ट्स नोबेल लॉरिएट्स इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन. उसी तरह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देते हैं और नोबेल प्राइज लॉरिएट को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है, द स्वेडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज सिलेक्ट्स नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर. उसी तरह स्वेडिश एकेडमी लिटरेचर के क्षेत्र में देते हैं. ए कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट सिलेक्ट्स फॉर द नोबेल पीस प्राइज. उसी तरह शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट है, इन 1968 द स्वेरिज रिक्स बैंक एस्टैब्लिश द स्वेरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस वॉज गिवन द टास्क टू सिलेक्ट द लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंस स्टार्टिंग इन 1969. उसी तरह इस स्वेरिज रिक्स बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं के द्वारा पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये प्राइज दिया जाता है, लेकिन बाद में इसको रॉयल स्वेडिश एकेडमी को हस्तांतर किया गया और इन्हीं के माध्यम से यह दिया जाता है 1969 से. देन मोनाला यूसुफ जई द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट्स हु गॉट द पीस प्राइज इन 2014 एट द एज ऑफ जस्ट 17 ईयर्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. जैसे कि यहाँ कहा गया है कि मौलाना यूसुफ जई सबसे कम उम्र के नोबेल लॉरिएट है,
जो कि 2014 में पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गए थे और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट है जॉन वी गुडेनफ, इज द ओल्डेस्ट रिसिपियंट ऑफ दिस प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 एट द एज ऑफ 97 ईयर। उसी तरह जॉन वी गुडेनफ ऐसा व्यक्ति थे यानी कि सबसे ओल्डेस्ट रिसिपियंट थे जिनको केमिस्ट्री क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था और उनका उम्र था 97 ईयर्स। नेक्स्ट है जॉन वर्डिन, इज द ओनली नोबेल लॉरिएट हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस इन 1956 एंड 1972। उसी तरह जॉन वर्डिन ऐसा नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने फिजिक्स क्षेत्र में दो बार नोबेल प्राइज हासिल किए थे 1956 एंड 1972 में। नेक्स्ट मेरी क्यूरी इज द ओनली वन वुमेन हु हैज बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड द 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। मेरी क्यूरी ऐसा एक महिला थे जिन्होंने बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज से नवाजा गए थे। नेक्स्ट है जस्ट 54 वुमेन इन टोटल हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज बिटवीन 1901 एंड 2019। देन नेक्स्ट द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड इन 1901 टू हेनरी डुनंट जो कि स्विट्जरलैंड से थे एंड फेडरिक पासी जो कि फ्रांस से थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इट इज नोन दैट सो फार 9 इंडियंस अ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज वाज रविंद्रनाथ टैगोर। अब तक 9 इंडियंस या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है और इंडिया के जो पहले नोबेल लॉरिएट थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। सो लेट्स सी ऑल द नोबेल लॉरिएट्स ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन। फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि। लिटरेचर के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था और गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट है सी वी रमन, ही गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना, ही गॉट नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन इन 1968 फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, सी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन पीस इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क विद द पुअर। लेट्स सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर, ही गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन, ही वॉज अवार्डेड द स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज 1998 इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है वी एस नाइपल, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपल जिनको हम वी एस नाइपल कहते हैं, गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। सो ये लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लॉरिएट थे 2001 में। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2009 वॉज अवार्डेड जॉइंटली टू वी रामकृष्ण इंडिया, थॉमस एस टिडजे यूएसए एंड आडा ई योनाथ इसराइल। द नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, द नोबेल पीस प्राइज 2014 वॉज अवार्डेड जॉइंटली टू कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज ऑफ 2020। अभी हाल ही में 2020 के नोबेल प्राइज को डिक्लेयर किया गया है, तो उन सभी जो भी क्षेत्रों में दिया गया है उन सभी नोबेल लॉरिएट को के नाम को हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग 2-3 मंथ में सभी रेलवे बैंकिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी लिहाज से देखा जाए तो करंट अफेयर्स के टॉपिक से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी, फर्स्ट है फिजिक्स के क्षेत्र में, दिया गया है रोजर पेनरोज, ये सभी के नाम है, देन रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज।
for their discoveries that have improved understanding of the universe, including work on black holes. ये लोग इसी के ऊपर काम किए थे. So for this they got this award. Then next है केमिस्ट्री के क्षेत्र में. केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है इमानुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना फॉर देयर वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्स-कास9 ए मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है लिटरेचर. लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है लुइस ग्लोक. सी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट. ये बहुत फेमस अमेरिकन पोएट है जिनको इस बार लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से नवाजा गया है. नेक्स्ट है पीस यानी कि शांति. शांति के क्षेत्र में इस बार दिया गया है द नोबेल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट ए सर्ज इन ग्लोबल हंगर एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक. तो इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये पीस प्राइज दिया गया है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंस. इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिया गया है पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट बी विल्सन. क्यों दिया गया है? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मर्स. इन लोगों के इसी टॉपिक के ऊपर काम किए थे. सो फॉर दिस दे गॉट दिस अवार्ड. देन नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन. मेडिसिन के क्षेत्र में इसी क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर हर्वे जे अल्टर माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस. क्यों दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. आप लोग ये इमेज देख सकते हो. तो अभी तक हम उन सभी नोबेल लॉरिएट को नोबेल लॉरिएट के नाम को डिस्कस कर चुके हैं जिनको 2020 के नोबेल प्राइज से नवाजा गया है और ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. सो आप लोग इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज दिस. और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा सो यू कैन ईजिली मेमोराइज ऑल द नेम्स एंड ईजिली क्रैक द एग्जाम. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. बिफोर यू गो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इन इट इन ऑल योर फ्रेंड सर्कल. थैंक यू.